ओके सो आदर्श, सबसे पहले तो आप बाहर आ गए हो, तो पहला अपनी बात बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से राखी ने इतने सारे एलिगेशंस आप पर लगाए, और उस वक्त आप तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते थे, बट अभी आप अपने लिए कैसे यू नो अपना अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे आप? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लीगली, जो मेरे पे एक चार्जेस लगे थे, नीरज सर विल स्टार्ट विथ लीगली, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जो FIR लॉन्च की थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने, आप सबको मालूम होगा उसमें क्या क्या एलिगेशन थे, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 377, दैट इज अननेचुरल सेक्स, विच वॉज सब्सिक्वेंटली एडेड बाई द पुलिस आफ्टर द FIR वॉज लॉन्च्ड। और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे पे ही कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की थी, ये जानते हुए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है या कस्टडी की ज़रूरत नहीं है हमारे क्लाइंट की। उसके बाद इन लोग सेशंस कोर्ट में गए, रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, और दो दिन की पुलिस कस्टडी अकॉर्डिंग टू सेशंस ऑर्डर ऑफ द सेशंस कोर्ट दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है दो वीक में यहाँ से बेल ग्रांट कर दी थी ऑनरेबल कोर्ट ने, और उसके बाद फिर मैसूर पुलिस, जो मैसूर में FIR लॉज हुई थी, वो कनेक्शन में अपने क्लाइंट को लेके गई थी, उस मैटर में भी अभी बेल ग्रांट कर दी है कोर्ट ने। अभी मेरा क्लाइंट आप लोगों के सामने है, नाउ ही विल स्पीक फर्दर थिंग्स। अच्छा, आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ, जो मेरा एक लास्ट जो मेरा वीडियो बैठ था, जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मैं, मुझे दो दिन देना, आप लोग डू यू रिमेम्बर, मैंने कहा था लास्ट दो दिन देना, मैं आके सब कुछ सच सच बताऊँगा। तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वॉज फ्रेम इन दिस, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल, एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्जेशन होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। सो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो, जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं, तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी, एक दो साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी कर लूँ। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं। तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी। तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप एक साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ, जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उमरा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपके फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट, इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे, वो ये राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में। शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा, और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेंबर, मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था, क्योंकि मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं, दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीज़ें हुए, वो सब आपको तो पता है। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों, लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज़ इन लंडन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था, मैं दुबई गया और राखी गई लंडन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंडन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी,
मुझे ये चीज़ें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है, देन इमिडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्जेशन की राखी बोल रही थी रितेश को, ये सॉरी रितेश राखी को बोल रहे थे कि इस ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई है मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन हैं, पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ, मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए बींग अ हस्बैंड कि राखी क्या क्या है ये, वही दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से, जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था, और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी, और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल, तो मैं क्या प्रूफ करूँ, मैं क्या सोचूँ एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल, वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार, हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर, मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर, आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, दैट ये दिखा रही सर, दोनों फोटो डाल दी, इन सब की कॉपी है क्या प्रेस के लिए आपके पास? एवरीथिंग है ना, तो प्रेस अब बाद में दे दीजिएगा क्योंकि यहां ही वैसे भी ये शाजमा का कौन सा वीडियो करवा सकते हैं? शाजमा, हां वो आपको मिल जाएगा, अपने एक रैंडम दिखा रहा हूं, क्या बात है, ये यहां लो, यहां पे आके यहां पे देख ले, इधर 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 यहां पे भाई लात पे भाई, लेफ्ट में आदिल भाई I will share this. किसी को भी नहीं मिल रहा, I will also share this. ये वो वीडियो, ये प्रॉपर नोटरी राखी शादीशुदा, शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट, तारीख इज 11/11/2019, ऑफ कोर्स नो, द वर्ल्ड आल्सो वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, नो राखी बाहर आने के बाद, नहीं बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है, उन्होंने एक रील टू रियल कुछ इंटरव्यू आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो, उसमें साफ साफ कहा है राखी ने कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी। तो आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और आपने उसको लीगली या फिर किसी भी प्रकार से एविडेंस छानबीन नहीं किया? एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है, दूसरा जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल, ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था। वो कॉपी है आपके रजिस्ट्रार? ऑफ कोर्स है, मैरिज एप्लीकेशन नहीं, उसमें जो सिंगल लिखा था रितेश के साथ उसका डिवोर्स हो चुका था? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था, और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। इफ यू टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, सो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती, और इनकी शादी एज पर मुस्लिम लॉ हुई है, तो एक तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है एंड देयर बाई टू प्ले अ फ्रॉड अपॉन माई क्लाइंट, सो वो केस को हम बाद में डील करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाना है उसके लिए। बट रितेश ने कहीं कभी ओपनली इसको इसका अपोज नहीं किया कि राखी शादी कर रही है किसी की पत्नी किसी दूसरे पति दूसरे शख्स के साथ शादी कर रही है?
ये सिचुएशन के सामने आए जब जस्ट फॉर अ फैक्ट सॉरी ये फेर है बाकी के वीडियो में दे दूंगा आप लोग बाद में देख लेना जिस पर रेफरेंस आई एम माय ओन सोर्स वो तो अभी मैं नहीं बता सकूंगा ना. देखो शादी एक सेकेंड शादी जब वो मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है. आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ पुणे में ढूंढ रहा हूँ. जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है ये वेडिंग. बैंगलोर का हूँ यार इतना तो कनेक्टेड रहूँगा कि मैं विटनेस निकाल लूँ प्रूफ निकाल लूँ. वो मेरी आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है ये सब और मुझे सब विटनेसेस मिल गए सब 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 कुछ. और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहाँ वो इंटीमेट चीज़ों में है रितेश के साथ बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माई एडवोकेट और लीगली मैं नहीं दिखा सकता. बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत. यूके में वो क्या कर रही थी किस कमरे में थी किस वक्त थी वो भी आज मेरे आज की डेट में मेरे पास है. लॉबी के वीडियोज हैं मेरे पास जब रितेश आ रहे थे किसके नाम पे रूम बुक था. Everything I have it. Everything. हमने already legal process जो है हमने. आज एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पैसे की बात हो रही थी. Welcome, welcome, welcome. मैं first में ये sort out कर दूँ, then पैसे देंगे. हाँ. हमने हमने already ही जो legal process होता है, in order to protect our rights and interest. राखी राखी जी ने इस केस के चलने के दरमियान बहुत सारी चीजें ऐसी बोली हैं जो highly defamatory है. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए हम हॉनरेबल कोर्ट को भी अप्रोच करने वाले हैं. एंड ओबियसली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एविडेंस है वो हम हॉनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे. जैसे ही हॉनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एविडेंस. हाँ पूछे कुछ पूछ रहे थे. आपने की राखी सावंत से तो क्या रितेश का कोई कॉल आया आपको या फिर इस तरह का कोई रोज किया कि मेरी पत्नी से शादी क्यों कर रहे हैं. हाँ राखी जब मैं शादी से पहले जब मैं राखी को डेट कर रहा था तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फ़ोन पे ही. और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात करूँ. तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे उसके साथ मत रहो. उसने मुझे बहुत लूटा है बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है आप उससे दूर रहो. ये कब हुआ था डू यू रिमेंबर. एक डेढ़ साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी. हम ओशकीवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे. आई वॉज वेयरिंग रेड डू यू रिमेंबर. अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिए. सेम केस खड़के ओशकीवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है रितेश मुझे मारता था रितेश मुझे पीटता था रितेश हरामी है वो ये वॉट एवर इट इज़. उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था. उस दिन मैंने रितेश को बचाया था बाई सेइंग राखी राखी छोड़ दो जाने दो हमारी जिंदगी है व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस. डू यू रिमेंबर राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले. प्लीज़ आप गूगल कर लें वो है अवेलेबल. जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी वन ईयर बैक द लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो. ये निकाह के पहले की बात है बाद में जस्ट होने वाला था जस्ट होने वाला था. इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे भरोसा किया. जिसको मैं प्यार करता हूँ जिससे जिस मैं उसको बिलीव करना जरूरी था बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है हमको तोड़ना चाहता है वो ये आप जो भी चाहिए मेरे से देखो आपको जो करना है करो आप लीगली मैरिज कर लो आप इस्लाम में देखो देखो आप देखो. लास्ट फ्यू मंथ से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ एक्चुअली नमाज़ पढ़ती थी मेरे साथ जब मैं मैसूर में भी था वो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे मैं नमाज़ पढ़ाता था और वो नमाज़ पढ़ती थी. तो आई वॉज लाइक ओके लेट मी बिलीव इट. ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा तो मैं क्या ही कर सकूँगा ज़िंदगी में. तो मैं बिलीव किस पे करूँ. व्हेन आई एम मैरिंग समवन आई हैव टू ट्रस्ट हर राइट. आपको बॉलीवुड में आना था फेम चाहिए था इसलिए आप राखी से जुड़े और राखी आपको सपोर्ट करेंगी. क्या था वजह मतलब राखी से जुड़ने की वजह क्या थी क्योंकि आप भी जानते हैं राखी की एज दुनिया भर में राखी के बारे में लिखा पर जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं. राखी को आप नहीं जानते थे ऐसा तो हो नहीं सकता फिर भी आप राखी से जुड़े आपका रीजन क्या था. अगेन वन सेकंड गिव मी वन सेकंड एंड आल्सो एडिशन टू दैट क्वेश्चन
how can you say that you were not aware totally of Rakhi's and her purana husband's relationship? Because dono kafi famous the, dono Big Boss ke saath aaye the. So aapka kehna ki because I used to love her, which is why I never doubted her or their relationship makes no sense. और उससे पहले अभी आपने वो भी कहा कि रितेश ने आपको कॉल करके ये भी कहा कि वो आपको मेरे को उसने बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर भी आपने उससे शादी किया. व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना भी कोई अंधा नहीं हो जाता शायद से इतना पता होने के बाद. देखो सबसे पहले एक बात बताऊं, राखी को मैं सिर्फ रितेश ने, मैंने ये भी पूछा था कि दीपक, सबसे पहले मैंने ये पूछा था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने स्वयंवर किया है, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है. सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड, चलो वो तो कॉमन चीज़ है, बॉयफ्रेंड था. थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था, दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है? बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर, आप तो बहुत कुछ बात किया था आपने दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज़ बताओ. तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है. ठीक है, तब मैं हिंदू में, मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था. ठीक है, उसके बाद रितेश का मैंने पूछा, तो सारी दुनिया जानती है रितेश राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था. राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं. आप वो एक जो फोटो थी एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फोटो ना, यू आई रिमेम्बर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है. और जब मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाल्गिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड. लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि वो सिंगल है एंड आई बिलीव हर. ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे. मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियां करती है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियां उनके लिए एक एपिसोड है. जब मेरे पे चीज़ें बीती, व्हेन आई केम आउट, अभी बाहर आके भी मुझे हो गए एक महीने, तो एक महीने तक राखी, सिक्स मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जस्ट आई वॉज डूइंग दिस रिसर्च प्रॉपरली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. और रही बात राखी से मैं क्यों ब्लेडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रख के, मैं हिंदू थी, मुझे चीज़ों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में ऐसे ही आपके साथ जिंदगी करूँगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम. तो वो पांच बार नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको उस के लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ. तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज़ अ न्यू वुमन, न्यू सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी. बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट जिंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसी रहेगी. आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू क्रैक उसका पास्ट, पास्ट पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वॉन्ट टू लिव ऑन प्रेजेंट. हाँ आपको कुछ चाहिए, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको फेम चाहिए था, मतलब इसका क्लेरिफिकेशन एक चाहिए था क्योंकि यही कहा जा रहा है. अभी उसके टॉपिक में जब आप फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है. जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था अगर मुझे बॉलीवुड में आना था, तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था, जैसे यशराज नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया है. मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था. मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा. और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया घूमा फिरा फेमस होकर मैं छोड़ दिया, मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है. एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज की लेट हिम कंप्लीट, आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज़ करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगी? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था. कहाँ? एक सेकंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई में. मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ. दुबई में आपके साथ
नहीं सर, नहीं सर, कोई भी पिक्चर नहीं है आपके पास है तो उस पर डिबेट रख लेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से। हाँ आईफा में मैं एक बार देखा हूँ, आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे सेटिंग बोलते ना वो। सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो, ये वो सरासर झूठ है। आदिल से पहले आपने बोला कि हिंदू से कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए, तो एक तरह से बदलाव आएगा, तो आप ये चाहते, मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू हिंदू में है महिला है वो सही से काम नहीं करिए, हर राखी शावंती होती है। एक और बार बोलिए प्लीज, प्लीज आई एम सॉरी। जो हिंदू में आपने कहा कि जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी राखी सावंत तो कुछ बदल जाएगी, तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू में औरतें रहती है वो हर राखी सावंत ही होती है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, नहीं नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग, रिलीजियस इश्यू को प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत करिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमन बींग्स, सबकी अपनी अपनी फेथ होती है, ठीक है ना? आदिल जी एक बहुत अहम सवाल, और रही बात हिंदू महिला की बात कर रहे हो तो मेरे 70% दोस्त हिंदू हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो रिलीजन को मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं राखी को एक्सेप्ट करने का भी एक वजह था, बिकॉज वो बहुत अच्छा रिलीजन है और मैं बहुत मानता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ उस रिलीजन। सर आपने अभी ये बात की उनके सवाल पर कि यहाँ हिंदू मुस्लिम महिला वाली बात नहीं थी, है ना, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने, आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमान होने की बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि राखी सावंत नमाज पढ़ रही थी, कुरान शरीफ सीखना चाहती थी, लेकिन एक जगह पर आप लोगों ने जो कुरान शरीफ मुसलमानों की सबसे बड़ी तकद्दस मुकद्दस किताब है उस पर हाथ रख के आप लोग बेडरूम में लेटे हुए हैं और लेट के आप लोगों ने वहाँ पर हेल्प लिया, वो कितनी बड़ी कुरान शरीफ की बेहरमती थी और एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उसने, बहुत तकलीफ पहुँची उससे, वो पूरा ड्रामा क्या था? सबसे पहले मैं तहे दिल से सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ, वो मेरे और मेरे रब का मामला है। दूसरा मैं तहे 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 दिल से मेरे इस्लाम भाई, मेरे इस्लामी बहनों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा गुनाह मेरे हाथ से हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लास्ट 6 महीने मैंने जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं रोया हूँ, मैंने बहुत भीख मांग के मेरे रब से मैंने माफ़ी मांगी है, और मैं अभी मेरे इस्लाम भाई बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो मेरी भूल है। कमिंग टू द पॉइंट, क्यों हुआ था, एक दिन ऐसा था मैं जस्ट उठा था, मैं नींद में था, राखी सडनली लाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि राखी वीडियो बना रही है, हाथ रख देती है मेरा और मुझे पूछने लगती है कि तुम दूसरी औरत के साथ नहीं हो, वो है ये। मैंने बोला बिल्कुल मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं तब था, किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया हूँ, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया, सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट हो जाए, उसको पता था कि इस्लाम कुरान एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूँ तो हर इंसान नफरत के आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा जी। तो उसको ये ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस। हाँ ये मेरा रीज़न या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है और मैं तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे रब से मैं ज़िंदगी भर मैं मरने तक माफ़ी मांगूंगा, और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ, हाँ आपका गुस्सा मेरे पे जायज़ है, एक बार मुझे माफ़ करना प्लीज़, आइंदा मेरे मरते दम तक ये गलतियाँ मेरे से नहीं होंगी। स्टार्टिंग से पूछे दोबारा रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो राखी सावंत का ये स्टेटमेंट था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात पता चली, वो लड़की ने जब ये बात बताई कॉल करके, तब आपने जाकर वो लड़की को भी मारा, और राखी के पैसे से आप उसकी सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था? क्योंकि उसकी शैली जी जो एनजीओ चलाती है, हमें नहीं पता, वो फॉर एन एग्जांपल शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है, उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। अच्छा अच्छा, पहले वो मैं बोल दूं, सॉरी टू कट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है। ओके,
वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं उनके बारे में बताने में, प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट, इसके बारे में आप क्या कहना है? जितना भी आपने मुझे अभी बताया एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है? मैं उसको मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना, जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपरली, आपके पास कोई भी चीज़ों का एविडेंस नहीं है। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से, am I right? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या? राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले, करेक्ट? सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में उस टाइम में, मैं उसको मिला। मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ, आई वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर, मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा, 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग मैं जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाई ईटिंग कोलोनाजिपाम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना, आदिल पूरे एविडेंस चाहिए, आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा, आप प्लीज़ उसको झूठ भी कंसिडर कर लेना अगर मैं नहीं दूँ। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे थे और एक कॉपी में दिखाऊंगा भी। 20 कोलोनाजेपम खा चुकी थी, मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया, तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में, आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर उस टाइम में। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे, वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे, उसकी माँ बीमार थी और उसके फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे, तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्टिकेट यू, तो उसने ये स्टेप लिए। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना आज के बाद जो भी आपकी एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा, आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूँ तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में, मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था, क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपीज उस पर खर्चे हैं आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक। वन सेकेंड, आई विल कम देयर। 31 लाख रुपीज मैंने ऑलरेडी खर्चे थे ईरानी लड़की पे, वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था, आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, इसमें ये भी बोलूँगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन एडिशन टू दिस, नवंबर 2022 तक आदिल के अकाउंट से उस लड़की को, वो रिस्पेक्टेड गर्ल को पेमेंट जो भी है हेल्प वो जाती रही है। शादी के बाद राखी को ये बात मालूम हुई, ठीक है शुरू में वो शी वॉज गुड कि ठीक है यू आर हेल्पिंग समवन, लेकिन एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव कि तुम अपना पैसा सिर्फ क्यों दे रहे हो। अब नीचे बैठ जाओ। तो आप देखोगे कि नवंबर 2022 के बाद आदिल ने पैसा देना बंद कर दिया था, बिकॉज इसका सारा इन्वेस्टमेंट राखी की तरफ डाइवर्ट हो गया था जो भी अमाउंट था। उसके बाद लड़की ने जो कहा है वहाँ पे FIR में कि 2 साल पहले ये सारा सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ था। अब सवाल यह है कि जब 2 साल पहले ये हुआ था, आप नवंबर, आप FIR लॉन्च करते हैं सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी 2023 और आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं नवंबर 2022, ठीक है, तो अगर आपके साथ वो इंसिडेंस हुआ था तो आप पैसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे? और तीसरा, आप एक बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है कि 7-6 फरवरी की आधी रात को
ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आदिल के अगेंस्ट में राखी सावंत एफ आई आर लॉन्च कराती है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द यू कैन से रिमांड एंड ऑल और बेल अप्लीकेशन जो भी था, उसी टाइम पे जैसे ही राखी जी को समझ में आता है कि यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हमारा केस सस्टेन नहीं करेगा और इसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक उसी टाइम पे सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में राखी सावंत का एफआईआर होता है, सेकंड वीक में ये ईरानी लड़की वहाँ पे मैसूर में एफआईआर लॉन्च करा देती है. तो नेक्सस समझ में आता है कि कैसे एफआईआर हुई है वहाँ पे. क्योंकि क्योंकि जैसे कोर्ट में पता चल जाता है कि आदिल को पुलिस कस्टडी जब वो लोग आके मांगते हैं 21 दिन की पुलिस कस्टडी, जब कोर्ट जुडिशियल कस्टडी दे देता है, जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट, जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी में जाता हूँ मैं बेल अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे उनको पता चल जाता है तो हम लोग एक जीत हासिल कर चुके थे. इमिडिएटली 8 तारीख को राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है, 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से आइंटेंगे, प्लीज़ आप मुझे एक हेल्प करो. उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक एफआईआर लॉन्च करवाते हैं 376 रेप. उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है, तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का? 7 तारीख को मेरी एफआईआर हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार, नहीं तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या लोगों को या जनता को किसी को भी? तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी? आप ऐसे ही कर दोगे, आदिल को ख़त्म कर दोगे? 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो? सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर उसको रेप बोलते हैं, जो निर्भया वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप. 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज इट इज, एक सेकेंड. तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है, अब दोबारा वही सवाल पूछ रहे हो. रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में देखिए आप. लेकिन आदिल,